आप लोग को बार बार सूचित किया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। बिन काम के आपके रोड के ऊपर मत आइए और आप अपने अपने घर पे बैठ करके इस कोरोना को भगाने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में कोरोना वायरस के 300 से ज्यादा मामले पाए जाने के बाद कल 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जो पूरे भारत समेत महाराष्ट्र में भी कामयाब रहा। जनता कर्फ्यू का टाइम सुबह 7 बजे से रात 10 बजे रखने के बाद इसे सुबह 5 बजे तक कर दिया गया और इसके साथ ही पूरे महाराष्ट्र में रात 12 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि एक से ज्यादा लोग जमा न हो और भीड़ कम रहे। इसके साथ शहरों में बाहर से आने वाली ट्रक ट्रेलर जैसी बड़ी गाड़ियों को बंद करने का आदेश यातायात अधिकारियों ने दिए। इस आदेश के चलते ही मुमरा पनवेल हाईवे पर कड़म्बोली और दहिसर नाका पर नाकाबंदी लगाकर मुमरा ठाणे और कल्याण जैसे शहरों में इन गाड़ियों को आने से रोका जा रहा था। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को शहर में जाने दिया जा रहा है जिनमें मेडिसिन, दूध या रोजाना इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की चीजें। हमने कड़म्बोली और दहिसर नाके का जायजा लिया और देखा लोग किस तरह से धारा 144 का उल्लंघन करते पाए गए। प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाहर से जितनी भी गाड़ियां आ रही है उसे शहर में जाने से रोक दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ढाईगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे बंदोबस्त में लगे हुए कि कोरोना वायरस का कोई वायरस ना हो जाए कहीं, इसीलिए शहर में उन्हें रोकथाम किया जा रहा है कि बाहर से आई हुई गाड़ी को शहर में ना दाखिल किया जाए। जो बाहर से जो शहर से गाड़ी आ रही है उसे वापस से लौटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ से जो भी मतलब मेडिसिन की दवाइयों की गाड़ियाँ और दूध और अनाज की गाड़ियाँ ही यहाँ से शहरों में जाने के लिए दिया जा रहा है। बाकी जो भी गाड़ियाँ है उसे वापस भेज दिया जा रहा है। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ के लोग मान नहीं रहे हैं, धारा 144 का उल्लंघन करके यहाँ से वो शहर में दाखिल हो रहे हैं। दहिसर नाका से सबिया हुसैन शेख की रिपोर्ट। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए ठाणे यातायात पुलिस और मुंबई पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर धारा 144 का उल्लंघन किया जाए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माताओं बहनों भाइयों बहनों सबसे सूचित किया जा रहा है कि जो हमारे देश के अंदर कोरोना आ जा रहा है, हुआ है, उसको दूर करने के लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी जो कोई आदेश दिए हुए हैं उसका आदेश का पालन करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम कोरोना को यहाँ से हकार कर एकदम से नष्ट नाबूद कर देंगे। आप लोग से यही उम्मीद चाहता हूँ कि बिन काम का आप लोग अपने अपने घर पे रहिए, रोड के ऊपर मत दिखिए, नहीं तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग को बार बार सूचित किया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए हम लोग आपको एक बार दो बार तीन बार कि चौथे बार नहीं मानेंगे, आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप लोग छोटे बच्चों और माताओं बहनों से यही उम्मीद है कि आप लोग बिन काम के आपके रोड के ऊपर मत आइए और आप अपने अपने घर पे बैठ करके इस कोरोना को भगाने की कोशिश करिए, यही हम आप लोग से उम्मीद चाह रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लोगों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया जा रहा है और इस वायरस से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं या निर्देश दिया जा रहा है उनका पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। बिना किसी जरूरत के घर से बाहर ना निकले। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।